हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किंग्समैन ई हब तथा ख़ानदानी बगीचे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ और आयुर्वेदिक औषधियाँ लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, ये दुनिया में एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ पर प्रकृति हमेशा मेहरबान रहती है। हर सीजन में कोई न कोई ऐसी चमत्कारी औषधि उत्पन्न करती है हमारी धरती कि उससे बहुत सारी बीमारियों का जो है इलाज हो जाता है। आज मैं दोस्तों आपके लिए एक ऐसा ही पौधा लेकर आया हूं जिसे कहते हैं ब्लूमिया। ब्लूमिया या ताम्रचूर्ण, इंग्लिश में ब्लूमिया कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं ताम्रचूर्ण। इसे बवासीर यानी पाइल्स का पौधा भी कहा जाता है और हमारे ग्रामीण भाषा में इसे कुकरौंधा कहा जाता है। तो आज दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कुकरौंधा है सर्वत्र पाया जाने वाला पौधा है और यह कहीं भी बरसात के मौसम में बड़े आसानी से उग आता है और ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इस ब्लूमिया यानी ताम्रचूर्ण के क्या फ़ायदे हैं, अर्थात कुकरौंधा के क्या फ़ायदे हैं और इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करें। तो दोस्तों, कुकरौंधा 1-2 फुट ऊँचा छुप झाड़ी होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पाएंगे, जिसमें कपूर की जैसी गंध आती है। इसके पत्ते कांसने के पत्तों जैसे होते हैं, किंतु ये उन पत्तों से कुछ बड़े, मोटे एवं रोएदार होते हैं। ये प्रायः जड़ के पास निकलकर भूमि पर फैले हुए होते हैं। इन्हें मसलने से इनसे उग्र गंध कपूर जैसी आती है। ऊपरी शाखाओं के अग्रभाग पर छोटे पीताब या कभी कभी जामुनी रंग के रोमस पुष्प मुंडक होते हैं। पुष्प खिलने के बाद इनसे रुई जैसे बारीक रेशे निकलते हैं। बीज छोटे धूसर भूरे रंग के होते हैं। ये छुप बरसात में उगते हैं, शीतकाल में फूलते फलते हैं तथा गर्मियों तक सूख जाते हैं। कर्पूर युक्त एक सुगंधित तेल इसकी पत्तियों में पाया जाता है। इसकी दोस्तों 3 प्रजातियाँ होती हैं कुकरौंधा की। जो है अन्य प्रजातियां हैं जिसे कहते हैं ब्लूमिया एरियंथा, ब्लूमिया डेसिफ्लोरा और ब्लूमिया बाल्सामिफेरा, यानी अलग अलग 3 प्रजातियां हैं और इनके तरह तरह के नाम भी हैं। संस्कृत में इन्हें कुकंदर, ताम्रचूड़, मृदुच्छक, गंगापत्री कहते हैं। हिंदी में इसे कुकरौंधा, कुकरोधा, कुकुर भांगड़ा, जंगली मूली, कुकुरबंदा, गंधील, काकली कहते हैं। मराठी में कुकुरबंदा, निमुड़ी, मामुड़ी कहते हैं। गुजराती में इसे कोकरंदा, कपूरियो, कलार, चाचड़मारी कहते हैं। बंगाली में कुकसिम और कुकुर सोंगा कहते हैं। लैटिन में इसका नाम है ब्लूमिया लासेरा। तो दोस्तों, कुकरौंधा के औषधीय गुण क्या हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुकरौंधा मधु, रूक्ष, तीक्ष्ण, विषाक्त, कपाय, विपाक में कटु, उष्ण वीर गुणों में कर्पूर का पर्यायवाची है। यह कफनाशक, दीपन, अनुलोमन, पाचन तथा पित्तनाशक है। कुकरौंधा यकृत उत्तेजक, पसीना लाने वाला तथा कफनाशक है। यह क्रिम यानी कीड़ानाशक, ज्वरनाशक, दाह शामक, शिरोविरेचन, व्रणनाशक यानी घाव, मूत्रल तथा ग्राही है। कुकरौंधा वेदना स्थापक, वातनाशक, अधमान नाशक, तृषानाशक तथा अर्स यानी कि पाइल्स यानी बवासीर नाशक होता है। यह जो है बवासीर में भी फायदा करता है। दोस्तों, इसका जो उपयोगी भाग है, कुकरौंधा का पांचांग ही औषध हेतु प्रयुक्त होता है, अर्थात पांचों भाग इसके जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। सेवन की मात्रा है, इसके रस की उपयुक्त मात्रा 10 मिलीलीटर है तथा चटनी की मात्रा 2-6 ग्राम है। अब आइए दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है। पहला तो ये है कि मल द्वार, योनि द्वार, नाक, मूत्रेंद्रिय तथा अन्य किसी जगह से खून निकलता हो तो उसमें इसकी पत्तियों का लेप तथा पांचांग का काढ़ा अत्यंत लाभकारी होता है। इसके पांचांग का आप काढ़ा बना सकते हैं, पत्तियों का लेप बना सकते हैं। और अगर इन जगहों से खून निकलता हो, जैसे कि बवासीर में जो है मल द्वार से खून निकलता है, तो आप इसका लेप लगा सकते हैं। यदि शरीर का कोई अंग कट जाए, मोच आ जाए, चोट से खून निकलता है, तो रुई के फाहा को इसमें भिगाकर बांधने या लेप करने से खून का बहना बंद हो जाता है। इसकी पत्तियों को पीसकर शहद के साथ मिलाकर औवले या क्वाथ बनाकर सेवन करने से खूनी बवासीर ठीक हो जाता है।
बवासीर में दोस्तों यह बहुत ही फायदेमंद है। इसके रस में फिटकरी मिलाकर पट्टी बांधने से भयंकर खून का बहना तुरंत बंद हो जाता है। अगर आपके शरीर से कहीं से भी खून बह रहा है तो आप जो है इसके रस में फिटकरी मिलाकर बांध लीजिए और आपका खून रुक जाएगा तुरंत। सुबह शाम एक एक कप इसका काढ़ा सेवन करने से मासिक धर्म संबंधी रोगों में अत्यंत लाभ मिलता है तथा अतिरज में यह रामबाण है। इसका काढ़ा तथा चूर्ण कब्ज, गैस, मंदाग्नि, अफरा, दर्द, सूल, अपच आदि में अत्यंत लाभकारी है। दोस्तों यह ब्लड प्योरीफायर है, इसका काढ़ा लाभकारी है। रक्त और चर्म विकार में इसका लेप अत्यंत ही गुणकारी है। इसकी पत्तियों का 10 मिलीलीटर रस सेवन करने से कुत्ते का काटा विष समाप्त हो जाता है। अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है तो कुकरौंधा के जो है 10 मिलीलीटर रस का सेवन करा दीजिए और कुत्ते का विष समाप्त हो जाएगा, जिसे हाइड्रोफोबिया रोग नहीं होता। एक एक चम्मच 3-3 घंटे बाद इसके क्वाथ का सेवन करने से ज्वर यानी बुखार उतर जाता है। एक एक चम्मच इसका रस सेवन करने से प्रदर रोग में अत्यंत लाभ होता है। एक एक कप इसका काढ़ा सेवन करने से यकृत वृद्धि, अगर यकृत बढ़ गया है, यकृत यानी कि सिकुड़ गया है, सूजन, घाव, पित्त संबंधी रोगों में बहुत लाभ होता है। दोस्तों इसका काढ़ा सेवन करने से दमा और ब्रांकाइटिस में अत्यंत फायदा होता है। ब्रांकाइटिस जो होता है बीमारी, उसमें बहुत फायदा करता है। यह लीवर के लिए एक टॉनिक का काम करता है। खाना खाने के बाद एक एक चम्मच सुबह शाम इसकी पत्तियों का चूर्ण पानी के साथ सेवन करने से वह आसानी से पच जाता है और पेट की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों इसके सेवन से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, यह सूजन और मूत्र रोग में अत्यंत लाभकारी है। एक एक कप इसका काढ़ा हैजे के रोगी को एक एक घंटे के बाद सेवन कराने से हैजे से मुक्ति मिलती है और यह बहुत पौष्टिक भी होता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, कुकरौंधा को बवासीर का पौधा कहते हैं। यह बवासीर को बहुत ही आसानी से ठीक कर देता है। कैसे? अगर जो है वादी बवासीर है या खूनी बवासीर है, दोनों प्रकार के रोगियों को यह लाभ पहुंचाता है। मस्सों पर इसके पत्तों का रस लगाना चाहिए अथवा पत्र कल्क की टिकिया बनाकर सुखोष्ण ही बांधनी चाहिए, यानी सूखी हुई इसके पत्तों की टिकिया बनाकर उसको आप बांध सकते हैं। साथ में पत्ते के रस को पकाकर गाढ़ा हो जाने पर उसमें काली मिर्च का चूर्ण 250 ग्राम रस में काली मिर्च चूर्ण 12 ग्राम मिलाकर 1-1 ग्राम की गोलियां बना लें, 1-2 गोली पानी के साथ खिलावें। इसी प्रकार काली मिर्च चूर्ण के स्थान पर आप जो है स्वर्ण गैरिक मिलाकर गोलियां बनाकर खिलाना भी श्रेयस्कर है। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि इसका प्रयोग कैसे करना है कि मस्सों पर जो है, अगर आपका मस्से हैं, खूनी बवासीर है, आबादी बवासीर में मस्से हैं, तो मस्सों पर इसके पत्ते का रस लगाइए और खाने में जो है इसके जो है काली मिर्च के साथ इसके पत्तों के रस का जो है पकाकर गाढ़ा कर लीजिए और उसकी गोलियां बना लीजिए और दिन में 2 बार 1-2 गोली पानी के साथ खिलाएं। इससे जो है बवासीर में बहुत आराम मिलता है। कुकरौंधा के पत्ते एवं गेंदे के पत्ते को 6-6 ग्राम, काली मिर्च 3 ग्राम को 120 मिलीलीटर जल में पीसकर छानकर पिलाने से भी लाभ होता है। कुकरौंधा पिलाना भी उपयुक्त है अथवा इसके रस में गाय के घी को सिद्ध कर सेवन भी कराया जा सकता है। इस घी की मात्रा 3-6 ग्राम होनी चाहिए। इसके रस में मिश्री मिलाकर भी रोगी को सेवन करा सकते हैं। यानी ये सभी जितने भी प्रयोग हैं, सभी रक्त स्राव में यथा रक्त अतिसार, रक्त में रक्त पित्त, रक्त प्रदर आदि में भी लाभप्रद है। बवासीर के रोगी को साथ में हरण का चूर्ण भी यथावश्यक देना चाहिए, जिससे मल अवरोध ना हो। अधिक रक्तस्राव होने पर साथ में रसौंत भी देना चाहिए। कई चिकित्सक इसके शुष्क पत्तों का रोगी को धूम्रपान भी कराते हैं। दोस्तों कुकरौंधा बहुत ही फायदेमंद औषधि है। खून का दस्त आ रहा है तो उसको भी ये ठीक करता है। कुकरौंधा के रस में शुद्ध रसौंत एवं शक्कर बराबर मात्रा में मिलाकर मंद आंच पर इसे पका लें। अवलेह जैसा तैयार कर 6-6 ग्राम दिन में 2-3 बार देना चाहिए और यह जो है खून के दस्त को बिल्कुल ठीक कर सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, कुकरौंधा का तेल बना सकते हैं। सिर के रोग में कुकरौंधा का फायदा होता है। पेट के रोग में जो है मुँह, अगर बार बार मुँह सूख रहा है तो उसमें भी फायदा करता है।
सूजन में लाभकारी है, घाव में भी लाभकारी है, आँख के रोग में लाभकारी है और कुत्ते के विष में तो लाभकारी है ही है, बुखार भी ठीक करता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं कुकरौंधा के, इतने ढेर सारे फायदे, तो क्यों ना आप इसका प्रयोग करें लेकिन किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।